गुफ्तगू करेंगे सलमान अकरम राजा, सीनियर वकील को, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे इस पे रिएक्शन लेना चाहेंगे, तोशाखाना केस में जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली हुई है, कैसे देखते हैं उसको आप? ये बिल्कुल ठीक हुआ है। देखें, ये तमाम मुकदमे जो इमरान खान साहब के खिलाफ कायम हैं, ये मज़क़ा खेज हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है कानून में, वाकयात में। लिहाजा ये सजा को मुअत्तल होना ही था। जिस तरह ये मुकदमा चलाया गया, 10-12 घंटे बिठाकर एक जज बेचारे को जेल में, उसे कहा गया कि ये फैसला लिखो, तो इसी तरह होना था। इन तमाम मुकदमात का अंजाम यही होगा, इनमें कुछ भी नहीं है। लिहाजा आज अगर मुअत्तली हुई है, कल इसमें आप देखेंगे बरियत भी होगी। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, अब इसमें इसको हम जमानत समझें, जमानत समझा जाएगा या फिर इसमें जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी? नहीं, देखिए अगर सजा मुअत्तल हो गई है तो फिर तो उनको जेल में नहीं रखा जा सकता ना। इस मुकदमे में ये देखना होगा कि सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है या उनकी जो कन्विक्शन थी वो भी मुअत्तल हो गई है, लेकिन हर सूरत सजा मुअत्तली के बाद तो वो इस मुकदमे में कम से कम जेल में उनको नहीं रखा जा सकता। अच्छा सलमान साहब, एक और अहम मामला जो हुआ है और वो जो 7 रुकनी बेंच जो है अब बना दिया गया है लार्ज बेंच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है उस खत का, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं जो 7 रुकनी लार्ज बेंच बनाया गया? देखिए, अच्छा किया ये सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी और हमारी रुफका की शुरू दिन से यही इस्तदा थी कि जो कुछ हुआ, ये हुकूमत को भेजना मामला, एक कमीशन बनाना, ये सरासर गलत था। जो इस्तदा की थी हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने, वो ये थी कि बाकी तमाम हाई कोर्टों के भी जज साहिबान को बुलाया जाए, एक कन्वेंशन हो जिसमें अदलिया बतौर इदारा एक जायजा ले तमाम सूरत हाल का, और जो अदलिया को दरपेश है सूरत हाल उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुरतब करे। एब्सोल्युटली, जज को डराया धमकाया जाता है तो क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम